अभी जो है सो बुलेट में चल रहा है, वो भी बुलेट भी कहीं कहीं लथक जाता है, पीछे जो है सो कोई किसी को फंस जाता है तो आदमी भी बोलता है थोड़ा धकल दो बाबू। खाना का विषय में एक हरिया भात जो है सर थोड़ा सा उसको बीवी को मिलता है ना तो पूरा खा लेता है। चावल जो है सो ऐसा करके तो एक बोरा चावल बोलता है 3 दिन से 4 दिन सब खत्म कर देता है, शादी ब्याह में तो पूरा हड़िया खा कर खत्म कर देता है। तीन किलो चावल का भात खा जाते हैं। तीन किलो 4 किलो आटा खा लेते हैं रोटी। मीट 2 किलो, मछली 1.5 किलो। दूध कितना पीते हैं? 3 टाइम में 3 किलो। मिलिए, ये मोहम्मद रफीक हैं। शरीर से भारी भरकम, खाने में अच्छे अच्छों को टक्कर दे दें, मतलब ये कि जनाब इतना खाते हैं कि आप इनकी डाइट सुनकर हैरान हो जाएंगे। रफीक अदनान जब खाना खाने बैठते हैं तो एक बार में हांडी भर भोजन करते हैं, पकवानों के छक्के छुड़ा देते हैं। एक बोरी चावल इनके लिए 2 से 3 दिन का काम है। हालांकि कटिहार के जयनगर गांव के रहने वाले अदनान मोटापे से लिफ्ट मांग रहे हैं, चर्बी से पूरा शरीर भरा पड़ा है, लेकिन भोजन पर कंट्रोल नहीं है। साथ में इनकी 2-2 शादियां हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। रफीक अदनान के एक जानने वाले सुलेमान ने बताया कि वो बचपन से ऐसा ही है। ये जो है सो पहले जमाना में कुछ हल्का था, अभी जो है सो पूरा भारी हो गया है, और इसका जो है सो पहले कुछ तरह से पहले चल रहा था पैदल से, अभी जो है सो बुलेट में चल रहा है, वो भी बुलेट भी कहीं कहीं लथक जाता है, पीछे जो है सो कोई किसी को फंस जाता है तो आदमी भी बोलता है थोड़ा धकल दो बाबू। इस तरह से इसको हम लोग लेकर आते हैं। वहीं खुद रफीक बताते हैं कि अब बुलेट बाइक भी उनके वजन को नहीं खींच पाता, 2 शादियां की, बच्चे नहीं हुए, 3 किलो चावल 3 किलो आटे की रोटी एक बार में वो खा जाते हैं। दो क्विंटल के वजन के कारण चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं थोड़ा सा। गाड़ी भी बुलेट भी दम छोड़ दे रहा है। शादी किए 2 बच्चे नहीं हुए वजन के कारण से। रोटी चावल मीट मछली। पानी कितना पीते हैं? 2 लोटा। दूध 1 किलो। तीन किलो चावल का भात खा जाते हैं। 3 किलो 4 किलो आटा खा लेते हैं रोटी। मीट 2 किलो, मछली 1.5 किलो। दूध कितना पीते हैं? 3 टाइम में 3 किलो। वहीं रफीक की इस हालत पर सदर अस्पताल के चिकित्सक ने कहा कि उनको जांच, सलाह और इलाज की सख्त जरूरत है। साफ है, रफीक आजकल मीडिया में छाए हुए हैं और उनकी कहानी जमकर वायरल हो रही है।